खबर सबसे पहले मेरठ से। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत गिरने के मामले में सपा विधायक शाहिद मंजूर का बेटा नवाज हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ के बाद लखनऊ रवाना किया गया। लखनऊ पुलिस करेगी नवाज से पूछताछ। इमारत की जमीन का एग्रीमेंट नवाजिश के ही नाम है। एसपी सिटी पीयूष सिंह ने हिरासत में लेने की पुष्टि की है। बड़ी खबर। और अब तक क्या क्या हुआ है पल पल की जानकारी सिर्फ और सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको बताएगा। मंगलवार देर शाम यह हादसा हुआ। कल 7 बजे लगभग ये शाम को हादसा हुआ था। अलाया बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई और अब तक 14 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। 3 लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। बिल्डिंग के बेसमेंट में कई दिनों से कंस्ट्रक्शन चल रहा था ऐसा स्थानीय लोग बता रहे हैं। बेसमेंट में लगातार काम हो रहा था जिससे बिल्डिंग गिर गई। ये स्थानीय लोगों की तरफ से कहा गया है। बिल्डिंग गिरने की वजह की अब जांच पड़ताल होगी। मंडलायुक्त ने यह स्पष्ट किया है। बड़ी खबर। डीजीपी ने क्या कुछ कहा ये भी बताते हैं। हादसे के वक्त 8 परिवार थे और हादसे की वजह के बारे में कहना अभी जल्दबाजी होगी। प्राकृतिक आपदा से हादसे की आशंका क्योंकि देखिए कल 30 सेकंड से ज्यादा देर तक भूकंप भी आया था तो ये भी इसके पीछे की वजह हो सकती है। पूरी वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। प्राकृतिक आपदा से बिल्डिंग गिरने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। हादसे की पूरी वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। हादसे के वक्त अपार्टमेंट में 8 परिवार थे और हादसे की वजह के बारे में अभी जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना। मौके पर कौन कौन है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पहुंचे हुए थे कल। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा पहुंचे। अवनीश अवस्थी सीएम सलाहकार DH चौहान DGP लखनऊ DM पुलिस कमिश्नर वहां पर मौके पर पहुंचे। एक बड़ा हादसा अब तक क्या क्या हुआ। हजरतगंज इलाके में बिल्डिंग गिर गई। अलाया अपार्टमेंट जिसका नाम बताया जा रहा है उस बिल्डिंग की धराशाही होने की खबर सामने आई। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद यह हादसा हुआ। कुछ लोगों के दबे होने की खबर। राहत बचाव कार्य लगातार जारी। इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया। मौके पर ब्रिजेश पाठक भी पहुंचे। NDRF STRF मौजूद। फायर ब्रिगेड तमाम एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है। विशाल हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है पल पल की जानकारी देने के लिए। उन्हीं का जल्दी से रुख कर लेते हैं। फिलहाल क्या अपडेट है। तीनों शख्स जो वहां पर दबे हुए थे, तीनों लोग जो वहां पर दबे हुए उनका क्या रेस्क्यू हो गया।